तो ये है हमारे पास नथिंग फोन 2A, और इसका आज रिसेंटली एक और अपडेट आ चुका है। जैसा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारे लोगों को जो कैमरे की, तो वो यहाँ पे सॉल्व की गई है। यहाँ पे कैमरे में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे इनहेंस कलर एक्यूरेसी की गई है, ऑप्टिमाइज़ किया गया, ब्राइटनेस HDR वगैरह में, HDR में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व फिक्स की गई है। बाकी कुछ और बग फिक्सेस थे बहुत सारे, उसमें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इनकी टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। तो यहाँ पे एक और अपडेट आ चुका है, इसको आप कर लीजिए। जैसे कि कई बार फ्लिकरिंग हो रही थी HDR सिस्टम स्क्रीन पर, तो वो भी यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। ये सारे बग फिक्सेस हैं, और कैमरा में इम्प्रूवमेंट भी किया गया है, और 77 MB का अपडेट है। तो आप उसको करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी जो भी आ रही थी रिसेंटली, वो सॉल्व यहाँ पे हो जाएंगी इस अपडेट के बाद में। खास तौर कैमरे की जो प्रॉब्लम थी वो जरूर सॉल्व होगी, क्योंकि अब HDR में कलर एक्यूरेसी नहीं पा पा रहा था, वाइट बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा था जो HDR में, वो यहाँ पे सॉल्व बताया गया है इस अपडेट के अंदर। और इस अपडेट को आप कर सकते हैं, और भी यदि इसके बाद भी कोई इशू नहीं आएगा, और इसको आप यूज़ करके आप इसका यूज़ कर पाएंगे। इस अपडेट को हमने पहले ही कर लिया था, अब ये वीडियो भी बनाया, अपडेट कर लिया है और हमने यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। तो इस वक्त पे तो कर सकते हैं आप, और इस अपडेट को जब भी आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो अपडेट है वाईफाई मांगेगा आपसे, फ़ोन को बोलेगा वाईफाई कनेक्ट कीजिए। लेकिन आप जब देखेंगे नीचे जाके स्वाइप में करके, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, वाईफाई या यूज़ मोबाइल डेटा। तो बाई डिफ़ॉल्ट वाईफाई मांगता है, और यदि आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप यूज़ क्लिक और यूज़ मोबाइल डेटा करेंगे, तो ये मोबाइल डेटा को लेकर वहाँ से डाउनलोड कर लेगा, और अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, और उसके बाद फिर फ़ोन रिस्टार्ट वगैरह होगा, और इसका फिर आप उसका यूज़ कर पाएंगे।